अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर डॉक्टर और नर्सों की लापरवाही सामने आई है। 24 घंटे के नवजात बच्चों को दूसरे ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर और नर्सों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। सूरजपुर के ग्राम तारा से डिलीवरी करवाने आई महिला को अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। बच्चा कमजोर पैदा होने की वजह से बच्चों को वेंटिलेटर पर रखा गया। हंगामा देख नर्सों ने बच्चों को ब्लड चढ़ाना रोक दिया। ये बच्चे का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है और ये कोई कुमारो नाम की है, उनके बच्चे का बी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। वो अपने बच्चे के लिए लाई थी मगर सिस्टर मेरे बच्चे को चढ़ा दी वो ब्लड ग्रुप, जिसके कारण हम लोग डॉक्टर से कंप्लेंट किए हैं। तो डॉक्टर का कहना कि आप लड़के के पिताजी हैं, आप उसको ये लिख के हम लोग को दीजिए कि बच्चे को कुछ होता है तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं, आपकी जवाबदारी होगी। तो मैंने बोला आप भी एक पर्ची में लिख के दीजिए कि हम लोग क्या बोलते हैं ब्लड ग्रुप दूसरा गलती से चढ़ा दिए हैं, मगर डॉक्टर उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि हम लोग कोई खून नहीं चढ़ा। और डॉक्टर बोलते हैं हमको कि आप जिम्मेदारी उसका नहीं है, कुछ नहीं होगा बच्चे को। मैं बोली कि सर आपका जिम्मेदारी हम दिए हैं बच्चे को, आप भगवान बन के आप लोग सेवा कर रहे हैं हमारा बच्चे का, लेकिन अगर कुछ हो जाता है बच्चे को तो उसका जिम्मेदारी होगा, आप तो अपना हाथ पल्ला झाड़ देंगे। नहीं, ब्लड क्यों लगेगा? ब्लड की रिक्वायरमेंट रहेगी तब तो लगाएंगे ना। ब्लड की कोई रिक्वायरमेंट, उनकी ब्लड क्यों चढ़ेगा भाई? मैं तो देखा हूँ जिसमें ब्लड लगा ही नहीं। ये बच्चे का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है।